मैं इस समय कपिल मिश्रा के सरकारी आवास पर हूं और आप देख सकते हैं कि कपिल मिश्रा सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और फिलहाल वो सो रहे हैं। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर और अरविंद केजरीवाल पर, तो उन्होंने आरोप लगाया ही है 2 करोड़ रुपये लेने का। इसके अलावा 5 पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की विदेश यात्राओं का ब्यौरा वो मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक उन्हें ब्यौरा नहीं मिलता है तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, केवल जल पे रहेंगे। और वो आज से अनशन पे बैठ गए हैं। अभी तक किसी तरह का जवाब नहीं मिलने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक पार्टी की तरफ से उनके लगाए गए आरोपों के बारे में जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक वो केवल पानी पीकर गुजारा करेंगे। और यहाँ पर वो अपने सरकारी आवास सिविल लाइन्स में यहाँ पे सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो सोए हुए हैं और यहाँ पर वो लगातार दबाव बनाने की रणनीति बनाए हुए हैं। उन्होंने कल ही कहा था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम सत्याग्रह और बाकी जो उपाय अपनाती थी वैसा ही उपाय वो करने वाले हैं और उसी के तहत उन्होंने यहाँ पर अपना अनशन शुरू किया है। अब देखना है कि ये उनका अनशन कब तक समाप्त होता है और किस तरीके से फिर आगे उनकी रणनीति होती है। कैमरामैन चेतन भारद्वाज के साथ गवर्नेंस नाउ के लिए दिल्ली से अमित श्रीवास्तव।